हम बात कर रहे हैं BEL की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर आज के दिन की बात करें तो छोटे मोटे अप साइड के साथ हमको फ़िलहाल ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। मार्केट में भी हमको गिरावट देखने के लिए मिली है, लेकिन इसमें बड़ी गिरावट हमको प्रेशर, बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिला है। हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर स्टॉक को ब्रेक डाउन करना होता तो इसके 132 के लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे के ओर हमको 130 का भी लेवल ब्रेक डाउन होता हुआ नज़र आता, लेकिन स्टॉक जो है वो इसी रेंज में हमको कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसी रेंज में सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो यहाँ से अभी ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा बने हुए, आने वाले दिनों में हमको यहाँ से ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक 140 के लेवल पे रिजेक्शन पेश कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है 140 के लेवल को। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अगर स्टॉक इस लेवल को ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमको यहाँ से बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद हमको कंटिन्यू अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है और 160 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यहाँ से अगर जहाँ स्टॉक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है 136 का लेवल है, इसका सपोर्ट जोन है। हम देख सकते हैं कि इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर स्टॉक अपना काम कर रहा है। ये बात करें टारगेट की तो पहला टारगेट रहेगा अपना 140 का लेवल। अगर 140 को ब्रेकआउट दे गया तो फिर वैसे कंडीशन में हमको 150 से लेकर 160 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अपने पोजिशन बनाए हुए तो स्टॉक जब तक 130 के ऊपर है तब तक हमको यहाँ से अपसाइड देखने के लिए मिलेगा। 130 के स्टॉप लॉस के साथ हम पोजीशन को कैरी कर सकते हैं।